भारतीय सेना के बेड़े में लेटेस्ट वेपन इक्विपमेंट लगातार शामिल हो रहे हैं। वहीं एक और लेटेस्ट व्हीकल जो कि भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुई है, इस व्हीकल का नाम है महिंद्रा डिफेंस अर्माड़ा। इस व्हीकल की अगर बात की जाए, काफ़ी ज़्यादा लाइट व्हीकल है, 2800 केजी तक इस गाड़ी का पूरा वजन है और पूरी तरीके से बीपी यानी कि ब्लड प्रूफ गाड़ी जो है ये गाड़ी है। वहीं इस गाड़ी की अगर खासियत की बात की जाए, पूरी तरीके से ऑटोमेटिक तरीके की ये गाड़ी है। अगर गाड़ी के अंदर की बात की जाए, एसी फिटेड है, 4 से 5 जो लोग हैं इस गाड़ी के अंदर आ सकते हैं। और जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये इस हथियार का नाम है ATGM यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इस गाड़ी के अंदर फिट किया जा सकता है MMG, वो भी फिट किया जा सकता है, AGS-17 और AGS-30 जो है वो भी फिट किया जा सकता है। और पूरी तरीके से 360 राउंड जो है ये वेपन लगा सकते हैं, यानी कि टारगेट फिक्स करना हो और उन जगहों पे इस गाड़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है जहां पर दुर्गम इलाके हो, पहाड़ी वाले इलाके हो, या ख़ास तौर पे LAC और LOC में ये गाड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस गाड़ी की अगर अंदर की बात की जाए, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके की ये गाड़ी जो है वो मॉडिफाई करवाई गई है। और इस गाड़ी के अंदर AC लगा हुआ है और साथ में जो 5 लोग हैं इस गाड़ी के अंदर आ सकते हैं। पूरी तरीके से ऑटोमेटिक ये गाड़ी जो है वो बनाई गई है महिंद्रा की तरफ से। और हाल ही में ही भारतीय सेना के बेड़े में इस साल इस गाड़ी को इंडक्ट किया गया है। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित बट, TV9।